हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लेटेस्ट किटी पार्टी गेम्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कौन मजेदार सा पेपर ग्रुप गेम लेकर आई हूँ। आज का गेम हमारा चटकारेदार गेम है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम है। इसमें आपके दिमाग की सूझबूझ ही काम करेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम है। आप अपनी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, फैमिली पार्टी किसी में भी इस गेम को एंजॉय करा सकते हैं। ग्रुप गेम है, सारे मेंबर्स एक साथ खेलेंगे। बहुत ही फनी फनी से क्वेश्चंस हैं जिसके आपको आंसर्स देने हैं। स्पेशली ये गेम लेडीज को बहुत ही पसंद आएगा, बड़ी एज की है उनको भी बहुत पसंद आएगा। तो मैं जल्दी से गेम का डेमो देके बताऊंगी। उससे पहले कहूंगी जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, और मेरी वीडियोस अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिख रहा है 1 मिनट पेपर गेम चटकारा सूझबूझ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये चटकारे से भरा हुआ गेम है, बहुत ही मजेदार सा। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ। मधुर रस में डूबा लाल अंगूर, तीखे चटपटे पानी से भरी गेंद, शुभ समाचार का साथी, तिकोने घर में बसा परिवार, नहीं करता राज फिर भी सर पर ताज। सोचिए, लालू की मीठी रबड़ी, ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, लकड़ी, लालू की मीठी लल्ली, पूनम का चांद, दो तकिए के बीच सब्जी, जिसकी परतों में छिपे हैं आंसू, नींबू की बहन, संतरे की मौसी। है ना, कितने फनी फनी से क्वेश्चंस। गोल सफेद है जैसे अंडा, खाने में मीठा व ठंडा, दो नरम गद्दों के बीच की हरियाली, पीला हरा मकान, उसमें बैठे कालू राम। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग सी पहेलियां जो आपको सॉल्व करनी है। केसरी एवं पीले दानों की गेंद, पहले हरा फिर लाल, मेहमानों की एक मिसाल। तो यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चंस लिखे हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जितने भी मेंबर्स हैं आपके किटी में आप उनको उतनी फोटोस्टेट करवा लीजिए, और सब जितने भी मेंबर्स हैं उतनी फोटोस्टेट करवा लीजिए, और सब मेंबर्स को एक एक पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जो मेंबर सबसे ज्यादा 15 में से आंसर्स ठीक लिखेगा वो गेम का विनर होगा। अब मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ इसके। जैसे कि ये चटकारेदार गेम है, तो हमें इसमें किचन में जो भी चीजें हम यूज करते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, सब्जी, फल, मसाले, कोई भी डिश, किसी भी मिठाई का नाम हो सकता है। तो मैं आपको जल्दी से आंसर्स बता देती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग से आंसर्स है। मधुर रस में डूबा लाल अंगूर, गुलाब जामुन, तीखे चटपटे पानी से भरी गेंद, गोल गप्पे, क्योंकि उसमें चटपटा पानी भरा होता है, शुभ समाचार का साथी, संदेश, तिकोने घर में बसा परिवार, ये तो सभी को पता होगा, समोसा, नहीं करता राज फिर भी सर पे ताज। बताइए ये क्या हो सकता है? ये है अनार। अनार राज नहीं करता फिर भी उसके सर पे ताज होता है। लालू की मीठी लल्ली, तो इसमें आप रबड़ी लिखेंगे। पूनम का चांद, बताइए फ्रेंड्स क्या हो सकता है? इडली, क्योंकि वो व्हाइट कलर की होती है। दो तकियों के बीच सब्जी, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आजकल के बच्चों को बहुत पसंद होता है ये। जिसकी परतों में छिपे हैं आंसू, प्याज। नींबू की बहन, संतरे की मौसी, मौसम्मी। गोल सफेद है जैसे अंडा, खाने में मीठा व ठंडा, तो इसमें आएगा रसगुल्ला। दो नरम गद्दों के बीच की हरियाली, तो ये आएगी सैंडविच। पीला हरा मकान, उसमें बैठे कालू राम, तो ये वाला भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, बहुत अच्छा सा ये इस डिश का नाम बताएंगे। ये फ्रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको हिंट दे दिया कि एक फ्रूट है। केसरी एम पीले दानों की गेंद, बूंदी का लड्डू, बूंदी का जो लड्डू होता है वो केसरी भी होता है और कभी कभी येल्लो भी होता है। पहले हरा फिर लाल, मेहमानों की एक मिसाल, ये तो सभी को पता है, पान जो मेहमान लोग बहुत ही पसंद करते हैं, पहले वो ग्रीन होता है बाद में वो रेड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे आंसर्स बता दिए, दो आंसर मैंने नहीं बताए हैं, 13 वाला और 8 वाला। तो इनके आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, आपको किसी भी आंसर में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।